मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की वो शख्सियत हैं जिनका सिक्का भले ही आज इस इंडस्ट्री में चलना कम हो गया है, लेकिन साल 2004 से लेकर 2013 तक इस सुपरस्टार का जादू फिल्मों में कुछ इस तरह चलता था कि सिनेमाघरों में इनकी फिल्मों को देखने के लिए दर्शक काफी बेताब रहते थे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मनोज तिवारी का फिल्म में दिखना इसलिए बंद हो गया था क्योंकि उन्होंने साल 2013 के बाद राजनीति के पायदान पर चलना शुरू कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब उन्होंने साल 2014 में भाजपा पार्टी के नेतृत्व में रहकर लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया तो इस बात का पुख्ता तौर पर कहा जाने लगा कि मनोज तिवारी अब फिल्मों में कभी नहीं दिखाई देंगे। और ये बात आज भी सही है कि भोजपुरी के ये सुपरस्टार अब फिल्मों में नहीं बल्कि राजनीति के अखाड़े में दिखाई देते हैं। बताते चले कि मनोज तिवारी ने ससुरा बड़ा पैसा वाला, बंधन टूटे ना, देहाती बाबू जैसी फिल्मों में अभिनय किया था जिसे दर्शकों ने सिनेमाघरों में काफी पसंद किया था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।